वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज विभा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और मॉडल वर्ब्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे मॉडल वर्ब्स तो डिस्कस कर लिए हैं, लाइक कैन, गुड, मे, माइट, शुड एंड मस्ट। आज हम जिन मॉडल वर्ब्स की बात करने वाले हैं वो है विल एंड शैल। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विल एंड शैल। आप लोगों ने बचपन से ही एक चीज पढ़ी होगी कि आई वी के साथ तो शैल का यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है ना। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, बचपन में हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि आई वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ तो वी यूज शैल, और जो सेकेंड और थर्ड पर्सन होते हैं जैसे कि यू, ही, शी, इट, दे, उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। सही भी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आई और वी के साथ विल का यूज भी हो जाता है, और ये सेकेंड और थर्ड पर्सन जो है इनके साथ शैल का यूज भी हो जाता है ना। हम सभी ने देखा है, वो गलत तो नहीं होता है ना, बिल्कुल गलत नहीं है। तो आज हमें वही सीखना है कि जब इनके साथ शैल होता है तब क्या मीनिंग होता है, जब विल होता है तब क्या मीनिंग होता है, राइट। तो देखो, जब हम जो हमने बचपन वाली डेफिनेशन पढ़ी है कि आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, जब ऐसा आ रहा हो तब तो ये क्या शो कर रहे होते हैं, सिंपली फ्यूचर, ठीक है। तब तो ये फ्यूचर को शो कर रहे होते हैं कि हाँ फ्यूचर की कोई बात हो रही है, राइट। लेकिन जब आप उल्टा कर दो, उल्टा मतलब आई वी के साथ तो विल का यूज करने लग जाओ और ये जो सेकेंड और थर्ड पर्सन है इनके साथ शैल का यूज करने लग जाओ, तब डिफरेंस होता है इनके मीनिंग में। तब ये फ्यूचर शो ना कर कर क्या शो कर रहे होते हैं, डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ निश्चय, कंपल्शन, थ्रेट, ठीक है, किसी को धमकाना, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी, ठीक है, पक्का होना, ठीक है, किसी चीज के बारे में श्योर, दैट इज सर्टेनिटी, प्रॉमिस, ठीक है। जब आप आई वी के साथ विल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करो तब आप इनमें से कोई चीज शो कर रहे होते हो, ठीक है। आपको डिटर्मिनेशन शो करना है, कंपल्शन शो करना है, थ्रेट दिखाना है, सर्टेनिटी दिखानी है या प्रॉमिस करना है, तब आप यूज करोगे आई वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल, मतलब जो बचपन वाली डेफिनेशन है उसका उल्टा, राइट। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी, देखो, जब आई वी के साथ शैल है, आई या वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, और ये जो बाकी सब है यू, ही, शी, दे, इनके साथ विल है कि यू विल गो टू दिल्ली टुमारो या ही विल गो टू दिल्ली टुमारो या शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। यहाँ पर तो ये क्या शो कर रहा है, फ्यूचर, है ना, क्योंकि आई वी के साथ शैल आ रहा है और ये जो सेकेंड थर्ड पर्सन है इनके साथ विल आ रहा है, यहाँ पर तो ये क्या शो कर रहे हैं, फ्यूचर। लेकिन जैसे ही आपने इसे उल्टा कर दिया, आपने ऐसे कहा कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो या वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, या फिर इनके साथ आपने शैल का यूज किया कि यू शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ही शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पर क्या शो कर रहे हो आप, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, कि हाँ पक्का ही, दृढ़ निश्चय, सर्टेनिटी है, श्योरिटी है कि हाँ दिल्ली जाऊंगा ही, राइट। तो यही डिफरेंस है इनका, जब आपको डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, प्रॉमिस, थ्रेट ऐसे कुछ बात करनी हो तब आप उल्टा कर देते हो, आई वी के साथ विल लिख देते हो और सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ शैल लिख देते हो, राइट। तो यही डिफरेंस होता है मीनिंग का। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर योर मिसबिहेवियर, तुम तुम्हारे मिसबिहेवियर के लिए स्कूल से एक्सपेल कर दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, धमकी दे रहे हो, थ्रेट है ना, धमकी दे रहे हो। तो यहाँ पर आपने यू के साथ विल का यूज ना करके उल्टा किया, यानी कि शैल का यूज कर दिया, है ना। जनरली आई वी के साथ आता है, लेकिन जब बात आई थ्रेट की तो आपने यू के साथ किसका यूज किया, शैल का। लाइकवाइज आई विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक, अगर आपको ये कहना है कि नेक्स्ट वीक मैं कार खरीदूंगा, पक्का, मतलब मेरा तो दृढ़ निश्चय है कि अगले हफ्ते तो मुझे कार खरीदनी ही खरीदनी है, एनी हाउ, मतलब डिटर्मिनेशन है, यहाँ पर भी आप आई के साथ शैल का यूज ना करके किसका यूज करोगे, विल का। लाइकवाइज यू शैल कम टू ऑफिस एट 9 टुमारो,
मतलब कंपल्शन आप शो कर रहे हो कि हाँ तुम्हें कल 9 बजे ऑफिस में आना ही है. इट इज अ कंपल्शन. दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड शैल हेयर विद यू. ठीक है, यहाँ पर यू के साथ विल का यूज ना करके आपने शैल का यूज किया, क्योंकि क्या दिखाना था यहाँ पर, कंपल्शन. सिंपल फ्यूचर दिखाना होता तो आप विल यूज करते, लेकिन कंपल्शन की बात आ गई तो आपने यूज किया शैल. आई विल डू एवरी थिंग फॉर यू. आप प्रोमिस कर रहे हो किसी से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, एंड आई विल डू एवरी थिंग फॉर यू. तो यहाँ पर भी आई के साथ आप शैल का यूज ना करके किसका यूज करोगे, विल का. सो आई होप आपको ये डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा कि जब हम आई वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं तो उसका क्या मतलब है, और जब उल्टा कर देते हैं तब आप क्या शो करना चाह रहे होते हो. ठीक है, आप थ्रेट शो करते हो, डिटर्मिनेशन शो करते हो, कंपल्शन, प्रॉमिस, ठीक है, ये सब चीजें आप शो करते हो. अब आइए एक और मोडल जो हमारा बचता है उसकी बात कर लेते हैं, वुड. वुड के क्या क्या यूजेस होते हैं. देखिए, वुड का पहला काम है ये पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर ऑफर करने के काम आता है. ठीक है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट हमने कुड भी देखा था. कुड जो था, कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के काम आता था, वुड भी आता है. ठीक है, और सेकेंडली वुड कुछ ऑफर करना हो आपको, किसी को कोई चीज ऑफर करनी है, तब भी आप किसका यूज करते हो, वुड का. जैसे आप कहते हो, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू प्ले चेस, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर. तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑफर कर रहे हो है ना कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या तुम कॉफी लेना चाहोगी. वुड यू लाइक टू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलना चाहोगी. तो यू आर ऑफरिंग समथिंग हियर, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड वुड हियर, राइट. या फिर आप किसी की अगर ना इच्छा जान रहे हो है ना, ऑफर करके आप उसकी इच्छा ही जानना चाहते हो, जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, कि डिनर में क्या खाना चाहोगे. आप एक तरह से ऑफर भी कर रहे हो और उनकी इच्छा भी जान रहे हो है ना. इन केसेस में आप यूज करते हो वुड का. और मैंने एक बताया पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के काम भी आता है वुड. जैसे वुड यू माइंड पासिंग द सॉस, आप किसी टेबल पर बैठे हो, आप खाना वगैरह खा रहे हो, ठीक है, तो आपको सॉस चाहिए, तो आप क्या कहोगे, वुड यू माइंड पासिंग द सॉस, कि मतलब क्या आप मुझे, मतलब माइंड करोगे, आप सॉस दोगे मुझे. तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी आप क्या यूज करते हो, वुड. और क्या यूजेस होते हैं वुड के. वुड जो होता है विल का ही पास्ट होता है बेसिकली है ना. विल का पास्ट फॉर्म है वुड, और ये पास्ट की हैबिट दिखाता है. पास्ट की अगर आपकी कोई आदत थी तो वो कौन दिखाता है, वुड. जैसे मैं बोलू, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड कलेक्ट स्टिकर्स, जब मैं छोटा था तब मैं स्टिकर्स कलेक्ट करता था. ठीक है, तो आपकी पास्ट की हैबिट है ये, आपकी आदत थी पास्ट में, जब आप छोटे से थे आपको स्टिकर्स कलेक्ट करने की आदत थी, तो आप क्या कहोगे, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड कलेक्ट स्टिकर्स. इन माय चाइल्डहुड आई वुड प्ले पोकेमोन कार्ड्स, बचपन में मैं पोकेमोन कार्ड्स खेला करता था, मेरी आदत थी. मैं पोकेमोन के जो कार्ड आते थे ना, हम लोग जब छोटे थे खेलते थे, ट्रम्प कार्ड जिन्हें हम कहते थे है ना, पोकेमोन के भी आते थे छोटे छोटे कार्ड्स. तो चाइल्डहुड में मैं पोकेमोन कार्ड्स खेलता था, ये मेरी पास्ट की हैबिट है, इसलिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, वुड, राइट. और आप वुड का यूज कहाँ करते हो, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, अनरियल सिचुएशन, मतलब जो रियल नहीं है, यू आर जस्ट इमेजिनिंग. जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. अब आप बर्ड तो हो नहीं, ऐसे तो नहीं आप पक्षी हो या आप उड़ सकते हो, तो ये इमेजिनरी है. ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो, बस एक अनरियल सिचुएशन है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता. इफ आई वर अ लायन आई वुड किल यू, अगर मैं लायन होता, शेर होता, तो मैं तुम्हें मार देता, आई वुड किल यू. तो ऐसे इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए आप क्या यूज करते हो, वुड का. जैसे मैं कहूँ इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, मतलब मेरे पास मनी नहीं है, मैं बस इमेजिन करूँ, अगर मेरे पास मनी होती तो मैं तुम्हारी हेल्प करता. ठीक है, तो ऐसी इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, अनरियल सिचुएशंस के लिए भी आप वुड का यूज करते हो. ठीक है, तो आज हमने देखा विल, शेल और वुड का यूसेज, और यहाँ पर हमारे मॉडल वर्ब्स कंप्लीट होते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल पहले बेसिक स्टार्टिंग से ही देखिए, तभी आगे की चीजें समझ आएंगी. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.